नमस्कार, मैं आंचल, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। नोटिस चस्पा होने पर मृतक प्रेमचंद यादव के परिजन पहुंचे कोर्ट, नहीं हो पाई कोई कार्रवाई। देवरिया जिले के रुद्रपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में बीते दिन 2 अक्टूबर दिन सोमवार के हुए जमीनी विवाद में 6 लोगों की हत्या हो गई, जिसमें मृतक प्रेमचंद यादव और कुछ अन्य लोगों पर कार्रवाई के रूप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई। इसके बाद मृतक प्रेमचंद यादव के द्वारा खलिहान के भूमि पर कब्जा किया गया था, जिसकी पैमाइश कर धारा 67 की कार्रवाई की गई और 6 अक्टूबर को नोटिस दिया गया, 7 अक्टूबर को उसमें पेशी थी। मृतक प्रेमचंद के परिवार द्वारा वकील के साथ तहसीलदार कोर्ट में पेशी के लिए उपस्थित हुए, परंतु कोर्ट खाली था, जिस पर मृतक के वकील ने शासन और प्रशासन के कार्रवाई पर सवाल खड़ा कर दिया। देखिए जो इनको नोटिस जो है 6/10/2023 को जारी किया गया है और केवल एक दिन का अवसर दिया गया है 7/10/2023 का, और ये बताया गया है कि नियत तिथि को नियत समय पर उपस्थित हो जाए। आज तहसील दिवस है, तहसील दिवस का कार्यक्रम जो है सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का होता है और सुबह जो है हम यहाँ पर आए हैं और उसके बाद भी जब हम आपत्ति पत्र प्रस्तुत करने गए तो यहाँ पर ना ही तहसीलदार महोदय मिले, ना न्यायालय में पत्रावली मिली और न्यायालय जो है 2 बजे से पीछे दिख रहा है कि बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पर तहसीलदार भी नहीं है। इंचार्ज ऑफिसर जो है वो केवल इस समय बरह साहब हैं, इसके अलावा जो है SDM महोदय से, नायब तहसीलदार महोदय से और ADM साहब जो तहसील दिवस में बैठे हैं उनके समक्ष ये मामला प्रस्तुत किया गया कि महोदय आप सहायक कलेक्टर का पावर भी रखते हैं तो इसको इंडोर्स करके एक हफ्ते का हमें समय दे दिया जाए, क्योंकि प्रतिपक्षी की वकालत प्रतिपक्षी ही कर सकता है, उसकी वकालत तब तक नहीं कर पाएंगे हम जब तक कि उनका वकालतनामा दस्तखत ना मिले। लेकिन इस बात की सूचना उनकी पुत्रवधू दे रही है कि FIR संख्या 414/2013 इसके तहत अभियुक्त संख्या 3 रामभवन यादव पुत्र रामकुमार ये जेल में है, तो उनका वकालतनामा विधिक रूप से लेने के लिए हमें एक हफ्ते का अवसर दिया जाए कि उनकी जो भी बातें विधिक रूप से हम कह सकें। लेकिन इनके इस तस्वीर में जो भी प्राधिकारी है इस समय उनकी बातों से स्पष्ट नज़र आ रहा है कि सब लोग तालमटोल करके ये आपत्ति एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं और ना ही इंडोर्स करवाना चाहते हैं। मेरा अभी भी उम्मीद है कि 2 बजे से शाम 5 बजे तक हम ये देखते रहेंगे कि कौन सा यहाँ प्राधिकारी आ रहा है जिससे हम इस आपत्ति को जो इंडोर्स कराकर विधिक कार्रवाई के लिए आगे बढ़ सकें। अगर शाम तक कोई अधिकारी नहीं आता है तो उसके बाद आपका क्या एक्शन है? देखिए शाम तक अधिकारी यदि नहीं आता है तो स्पष्ट है कि प्रशासन कुछ और चाहती है, उसकी नियति केवल एक पक्षीय रूप से है। विधिक नोटिस आई है, विधिक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। मैं विधिक प्रक्रिया के पक्ष में हूँ, न्यायालय जो जजमेंट देगी वो सही होगा, लेकिन न्यायालय में जब न्यायाधीश बैठेगा तो जजमेंट होगा। किसी प्राधिकारी को बैठा करके न्यायाधीश की कुर्सी देना ये अपने आप में दोषपूर्ण है। अभी तक अधिकारी नहीं आए हैं कोई भी, क्या इस संबंध में आपके जिला अधिकारी या किसी उच्च अधिकारियों से बात हुई कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है? ना, मैंने बताया आपको कि अभी उच्च अधिकारी में SDM महोदय हैं, तहसील दिवस में हैं, ADM साहब हैं, उसके बाद नायब तहसीलदार भी हैं। नायब साहब छोटे होते हैं लेकिन 2 उच्च अधिकारी यहाँ पर हैं। इस बात की पूरी चर्चा की गई लेकिन उनसे संतुष्ट जवाब एक केवल यही मिला कि जिसके न्यायालय का मामला है वही व्यक्ति इसको इंडोर कर सकता है, CUG नंबर उनका बंद है, तहसीलदार इस समय सस्पेंड है, जो इंचार्ज में बरहज ऑफिसर है तो बरहज साहब का फोन जो है वो बंद है। तो सूत्रों से पता चला है कि इस समय तहसील दिवस में है तो प्रयास हमारा ये है कि हम बरहज से इंडोर्स करा के लाएं और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक इनका वेट करें और नहीं तो न्याय का निश्चित हनन होने वाला है यहाँ पर। प्रेम यादव के घर से कौन कौन आज यहाँ पे आएगा? प्रेम यादव की पुत्रवधू है, रामभवन यादव की पुत्रवधू है, यानी किरण देवी पत्नी, क्या नाम उनका, राम जी, और उनकी बेटी है प्रेम जी की, ये 2 लोग हैं। बाकी अन्य 5 लोगों के भी जो है रिलेटिव आए हुए हैं, वो सबका कहना है कि वो जेल में है तो वकालतनामा दस्तखत करने के लिए हमें एक हफ्ते का समय दिया जाए कि उनकी विधिक पक्ष रखा जाए। और आप को मैं एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर मात्र जिस सरकारी ज़मीन की बात हो रही है इनके पैमाइश के आधार पर 0.006 एयर लोकल लैंग्वेज में आधा कट्ठा ज़मीन कहते हैं और वो छप्पर और बाउंड्री वाले, ना कि उनका भवन है, ये आप क्लियर हो जाइएगा। आपका नाम? गोपीनाथ यादव, एडवोकेट, और ये मेरे सहयोगी अनिल कुमार यादव, एडवोकेट। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए टुडे 24 न्यूज़ के साथ।